जिला पंचायत भवन से आज जिला पंचायत अध्यक्ष ने कैटल के चरवाहन का किया उद्घाटन। वहीं मनोज राय ने बताया कि इस वाहन का प्रयोग निराश्रित बेसहारा गोवंशों के संरक्षण हेतु किया जाएगा, जो किसानों के फसलों को बर्बाद कर देते थे उन पशुओं को इसी वाहन में भरकर जो गौ आश्रय केंद्र बनाया गया है वहां पर इस वाहन से छोड़ने का काम किया जाएगा, जिससे अधिकतर किसानों की समस्याओं का समाधान हो सकेगा। किस तरह के वाहन का उद्घाटन किया गया आपके द्वारा? आज उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में सभी जिला पंचायतों द्वारा कैटल कैचर उपलब्ध कराया गया है। उसी के क्रम में आज मऊ जिला पंचायत द्वारा यह वाहन घोसी मुख्य विकास अधिकारी के निर्देश पर इस जिले में उपलब्ध कराया गया है। खंड विकास अधिकारी घोसी को आज इसकी का विधिवत इसको हस्तांतरित किया गया है। क्या काम रहेगा इसका? ये गाड़ी फिलहाल पूरे जिले में जो पशु घूम रहे हैं उनको इस गाड़ी के माध्यम से उनको इकट्ठा करके और जगह जगह जो हमारे आश्रय स्थल गो आश्रय बनाए गए हैं उन स्थलों पे पहुंचाना इस गाड़ी का मुख्य काम है। तमाम शिकायतें आ रही थी किसानों की तरफ से कि उनकी फसलों को नष्ट किया जा रहा है। विशेष रूप से इस गाड़ी का यही उद्देश्य है कि जो हमारे किसानों की फसलें नष्ट हो रही हैं उन फसलों को बचाने के लिए जो पशु घूम रहे हैं उनको इस गाड़ी से उठाकर ले आके आश्रय स्थल तक गो आश्रय स्थल तक पहुँचाया जाए, यही इस गाड़ी का मुख्य उद्देश्य है।